मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा रीवा जिले में नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों और मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत संपत्ति विरूपण के संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार के समय संपत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से पालन करें। किसी भी शासकीय भवन अथवा परिसर में चुनाव प्रचार सामग्री जैसे बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, दीवार लेखन आदि पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी निजी भवन स्वामी की लिखित अनुमति और स्थानीय निकाय की अनुमति के बाद ही उस प्रचार प्रसार सामग्री जैसे झंडे, पोस्टर, बैनर आदि लगाए जा सकते हैं। वहीं उम्मीदवार 3 दिन की समय सीमा में स्थानीय निकाय के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भवन स्वामी को दिए गए किराए की रसीद के साथ ही आवेदन करें। इसका विवरण रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करें। उम्मीदवार चुनाव प्रचार सामग्री में ऐसी भाषा और प्रतीक का उपयोग भी ना करें जिससे कि समुदायों में वैमनस्य और असंतोष की भावना पैदा होने की आशंका हो। निर्वाचन के दौरान यदि उम्मीदवार, उनके समर्थकों एवं विज्ञापन कंपनियों के द्वारा किसी भी शासकीय और अशासकीय संपत्ति को विरूपित किया जाता है तो थाने में सबसे पहले सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी SDM को संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल दल गठन के भी आदेश दिए हैं। इस दल के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में संपत्ति विरूपण की लगातार निगरानी करें। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार अथवा दल के द्वारा बिना अनुमति संपत्ति को विरूपित किया जाता है तो उसे मूल स्वरूप में लाने के लिए व्यय होने वाली राशि की वसूली दोषी व्यक्ति और या फिर भू राजस्व बकाए के रूप में की जाएगी। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दे दिए हैं।